दिल्ली में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें एनसीपी के राष्ट्रवादी कांग्रेस युवक अध्यक्ष धीरज शर्मा लोकसभा चुनाव को लेकर सभी विपक्ष के लोगों से एकजुट होने के लिए आह्वान कर रहे थे। धीरज शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार की नीतियों ने युवाओं को बेरोजगारी और निराशा के गर्त में ढकेला है। सिर्फ युवा ही नहीं, महिलाओं और किसानों के प्रति भी सरकार की नीतियां बेहद निराशाजनक रही हैं। जो मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये तीनों के बीच में बहुत बड़ा इंटरनेशनल एक्सपर्ट थे, पवार साहब का भी, बाकी सीनियर लीडर्स का भी, लेकिन सब लोग जानते हैं आज पीएम ने हम सब युवा साथियों को बहुत अच्छे से मार्गदर्शन दिया। कटने वाला नहीं मिले उसका जिम्मेदारी, पैसा नहीं मिले उसका जिम्मेदारी, 130 करोड़ आबादी इस देश के अंदर वो अपना